मेरा नाम है लिंजी, लिंजी ल्यूस। मेरी बहन और दोस्त वो सब के सब। अगर आपको कहीं मिले तो प्लीज मेरे परिवार वालों को बता देना। जानवर औरत क्षितिज की तरफ नजर लगाए बैठी है। उसकी चाह है रोमांचक जिंदगी जीना, दुनिया को अपनी नजरों से देखना और सपने पूरे करना। उसका एक यही सवाल है कि उसके भविष्य में उसे कैसे दिन देखने को मिलेंगे। क्या उसका भविष्य सुनहरा होगा जैसा उसकी समझदार बहन ने देखा है, या फिर बहुत अच्छा कर रही थी लेंस, क्यों रुक गई? हाँ, अच्छा है लेंस। हाँ, जैसे पुराने जमाने का कोई गाना। पुराने जमाने के गीत बेकार थे। बिल्कुल सही कहा। माफ करना, मैंने कोशिश की पर तुम तो मारने पर तुल गई। ठीक है, कुछ तो है हमारे पास कम से कम। फिर से कोशिश करनी है? नहीं, अब जाने दो, काम हो गया है ना? लगभग सारा काम हो गया है। अब जहाज की तरफ चलते हैं। चलो। हाँ। क्या इस जहाज की बात हो रही थी? काफी छोटा है ये, क्या हमारा सामान इसके अंदर आ भी पाएगा? पूरे इलाके में यही एक प्राइवेट जहाज था और कुछ है ही नहीं। तुम्हें दिक्कत क्या है? मुझे तो लगा तुम यही चाहती हो। तुम्हें पता ही है मुझे क्लॉस्ट्रोफोबिया है, मैं इस छोटे से जहाज में कैसे जाऊँ? मगर ये सही सलामत यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी दिक्कत नहीं होगी। हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा हमेशा की तरह। याद है हमने बात की थी ट्रांसपोंडर नहीं होगा, मैंने उसे हटा दिया। बिल्कुल सही, उसी में तो अपना मजा है। क्या तुम जानती भी हो इस जगह को? ये बहुत खतरनाक है, यहाँ आम जनता का आना मुश्किल है। अब हमारे सब्सक्राइबर खाने के शोर तो देखकर बढ़ेंगे नहीं, मेरी बात समझ रहे हो ना? हैक्टर चलो फिर ये करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं हैवियर हूँ। मुझे माफ कर दो, मेरा मतलब नहीं था तुम्हें ऐसा महसूस कराने का। तुम्हें बुरा लगा? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ओके फिर ठीक है। ठीक है चलो, कोई दिक्कत नहीं है, जहाज में सामान डालो। सब तैयार है? हाँ, आज तो रडार से उड़ान भरेंगे। ये बात हुई ना, आज तो मजा आएगा। रडार से उड़ान का क्या मतलब है? अपने छोटे से दिमाग पे जोर मत डालो, सब ठीक है। सब ठीक है, तुम क्यों परेशान हो रही हो? कोई दिक्कत की बात नहीं है। हे, तुम उड़ान के लिए परेशान हो ना? क्या सब ठीक से हो जाएगा? हाँ यार, हम महीनों से तैयारी कर रहे हैं, हमारी तो आदत ही है रिस्क लेने की। पेज की तरह क्यों बात कर रहे हैं? हाँ तो इसका मतलब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो अगर सब सही है, इसका मतलब तो यही है कि लेंसे हमारे साथ रहने वाली है। हाँ, अब लेंसे भी टीम का हिस्सा है। हाँ हाँ हाँ, लेकिन हम सबसे अलग है ये। ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, लेकिन हमारा तरीका इतना घटिया है कि उसका होना भी चलेगा। थोड़ा बदलाव हम भी लाते हैं, पता है, बदलाव का हिस्सा बनो। हाँ, बदलाव। पता है, मुझे जानना मतलब प्यार करना। बहुत कम लोग ऐसा कर सकते हैं, मगर तो अब मजाक बहुत ज्यादा हो गया। वो प्लेन, अगर हम उसका रडार हटा दे तो तुम्हें क्या लगता है, वहाँ पर सब कुछ ठीक रहेगा? अरे यार, परेशान मत हो। अच्छा ठीक है ठीक है, कुछ नहीं होगा। चलो आ जाओ सब लोग। तो चलो हम शुरू करते हैं। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ उदास मत हो, हम कोई जंग पे नहीं जा रहे हैं। वो अगली बार कर लेंगे, अभी ये करते हैं। चलो चलते हैं। हे, कैसे हो तुम एवन? बढ़िया है, वैसे तुम्हारा क्या हाल है? तैयार हो? वैसे
कितना मजा आ रहा है ना। तुम जाने विधवा, ठीक है? अगर तुमने कुछ भी किया तो तुम नहीं बचने वाले हो, ठीक है? हाँ ठीक है, समझ गया। जाना माना हुआ करता था, लेकिन जब से इसको चिड़ियाघर बना दिया है तब से सब बदल गया है। आज हमें मौका मिला है आप लोगों को इसके अंदर ले जाने का। आज बहुत मजा आने वाला है, क्या आप सब तैयार हैं? और कट बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया। यही तो हम अपने फैंस को दिखाना चाहते हैं, रोमांचक भरा। ठीक है, ध्यान से भेज। क्या सही कहा उसने, अब वक्त आ गया है हमारे दर्शकों को वो दिखाने का जिसके वो हकदार है। हाँ तुमने सही कहा, क्योंकि मुझे भी ऐसा ही लगता था। वैसे तुम अपने काम से भटक रहे हो। अबे चुप करना। नीरज रखो, हम पहुँचने ही वाले हैं। ये कोर की आवाज है ना? हाँ वही है। ए, मुझे नीचे शार्क दिख रही है, क्या बात है? तुम ठीक हो? अब मैं धीरे से इसको नीचे की तरफ लैंड करूंगा। ये क्या हो रहा है? किसी चीज को पकड़ कर बैठो दोस्तों। हाँ सब ठीक होगा, बस अपने आगे की सीट पकड़ के बैठो। सब लोग संभाल कर बैठो। डरा दिया। से मिलने के लिए तैयार हो क्या? तुम हमारी पागलपन वाली टीम का हिस्सा बनने के लिए तैयार हो? अब तुम सच में डरा रही हो। अरे अचल, सब तुम्हें पसंद करेंगे। तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम इसमें एक्सपर्ट हो, है ना? रिलैक्स, परेशान मत हो। मुझे बहुत अजीब सपना आया। अरे कोई बात नहीं, घबराओ मत। कम ऑन you
नहीं, मैं ठीक हूँ। शायद मैंने किसी को देखा, शायद वो डॉल्फिन थी। बाकी सब कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या डॉल्फिन? हाँ, लेकिन वो शायद एक डॉल्फिन ही थी। क्या पता, शायद डॉल्फिन हो। मैं ठीक हूँ लिंड्स। सर, ओ सर, तुम ठीक हो? ओ ठीक है वो। सैम आ गया। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। यहाँ आओ। मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ हम लोग जिंदा हैं। एकदम सीधे। हे, क्या तुमने पेज को देखा? और एविन, अगर हम ठीक है तो वो भी होंगे। मुझे नहीं पता कि वो लोग प्लेन क्रैश में बचे हैं या नहीं। हे लिंड्स, हम उन्हें ढूंढते हैं। वो जहाज के बाहर गिर गए थे, पंख टूटे और वो लोग बाहर निकल गए। अरे नहीं, हम नहीं जानते। नहीं यार, मैंने देखा था। परेशान मत हो काइया, हमें अभी तक कुछ नहीं पता है। तुम ठीक कह रहे हो, हम जानते नहीं है। किसी ने डॉल्फिन देखी क्या? उसके बारे में बात मत करो। तो फिर एविन और पेज कहाँ गए? अरे नहीं, वो लोग कहाँ है? हमें ढूंढना होगा। रुको, सब ठीक हो जाएगा। ओके, तुम सुन रही हो? हम पानी पर इसीलिए गिरे हैं ताकि चोट ना पहुंचे। सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? ये मुमकिन है, इसे बताओ काइया। हाँ, हम बच गए हैं तो। और लाल पत्थर को वहाँ यहीं पर है, शायद वो लोग भी यहीं होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो हमें जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। देखो ठीक है, हम जाएंगे। ओके, लेकिन हमें अपना भी ध्यान रखना है क्योंकि हम भी परेशानी में है। हमें अपनी एनर्जी बचानी होगी। वो देखो। काफी खून बह रहा है। ये इसी लायक है, इसी की वजह से मरते मरते बच्चे। तुम्हें मदद करनी होगी काइया। हे, हमारे साथ ही रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लिंड्स, सब सही हो जाएगा, कोई ना कोई आ जाएगा। ट्रांसपोंडर बंद है। क्या? ट्रांसपोंडर बंद है, किसी को भी पता नहीं। हाँ, वो सही बोल रहा है। एक मिनट, क्या? हमने ट्रांसपोंडर बंद किया था ताकि कोई हमें ढूंढ ना पाए। पीछे का हिस्सा, ELT। क्या ELT? ट्रांसपोंडर, उसे ऑन कर दो। टेल कहाँ है? उसे हमारे पास होना चाहिए। नहीं, रुको, हमारे साथ ही रहो, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कोई मदद नहीं आएगी, सारा सामान। सामान? क्या कहा तुमने? गोवा में? अरे नहीं, सुनो, हमारे साथ रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्लीज। पीछे का हिस्सा मिल गया है, वो 20 फीट अंदर होगा। ये भी मिला मुझे। नहीं चलता, ये हमें एक जगह ही रखेगा। पायलट कहाँ है? लेंसे, पायलट कहाँ है?
मुझे पता नहीं, पर सैप कहाँ है? सैप! तुम दोनों शांत बैठो, मैं इस इलाके को अच्छी तरह से जानता हूँ। उसने सामान कहा था, शायद रेडियो भी हो सकता है, उसे मदद मिल सकती है। नहीं सैप, रुको सैप! लेट्स, रुको। लिंसे, तुम क्या कर रही हो? सैप, मैंने सोचा हम सब साथ रहने वाले हैं। लिंसे, तुम वापस जाओ। सैप, लिंस, तुम आखिर कर क्या रही हो? तुम्हें वापस जाना चाहिए। काहिया ने कहा हमें साथ रहना चाहिए। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा, तुम इनके साथ सुरक्षित रहोगी। हम में से किसी एक को ही अंदर जाना चाहिए। अगर रेडियो मिला तो हम सब लोग बच जाएंगे। नहीं, तुम्हें अकेले जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा मैं वापस आऊंगा, मैं वादा करता हूं। नहीं, मैं चाहती हूं तुम मेरे साथ रहो। प्लीज मत जाओ। लिंस, बात को समझो, मैं वापस आ जाऊंगा, ठीक है? और ये मुझे अकेले ही करना है, ये तुम समझ रहे हो ना? पेज को बचाना जरूरी है, और एवन को भी, और हम लोग भी। तो मैं जल्दी आ जाऊंगा, ये वादा है मेरा। तुम लोग वापस आ जाओ। अरे यार, ये तो डॉल्फिन नहीं है। दुनिया इंतजार कर रही है, और अगर तुम सच्चे दिल से चाहते हो कि तुम्हें अपनाएं, तो वो तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, जितना तुम्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। मैं पेज लेविस हूँ, और ये खूबसूरत लड़की मेरी बहन, उसके साथ उसका प्यारा बॉयफ्रेंड है जिसका नाम है सैप। मुझे पता था आप लोग इसका इंतजार कर रहे थे। अगर आपको दुनिया देखने का शौक है तो मुझे और मेरे साथियों से जरूर जुड़े। तो फिर आप देखते रहिए हम सब के साथ। और कट। बढ़िया। और तुम दोनों देखो कितने प्यारे लग रहे हो। ओके, चलो फिर पैकअप करते हैं, कल मिलेंगे। सुनो, मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ, तब तक मैं थोड़ा वर्कआउट कर लेता हूँ। तुम वैसे ही बहुत अच्छे लगते हो, जरूरत नहीं है तुम्हें। चलो अभी चढ़ाओ मत, ठीक है? मुझे फिर भी जाना होगा। ठीक है। हे सैप। हे। जिम जा रहे हो क्या? थोड़ी देर के लिए। ठीक है पेज, तुम बैठो, मैं थोड़ी देर में मिलता हूँ तुम्हें। क्या तुम उसे बताओगे? पेज, बताने को कुछ नहीं है। हे एलियंस, ये सीन एक बार देखो, मैंने इसे ड्रोन से शूट किया था। Shabash!
हो सकता है तुम ठीक तो हो? अरे यार, मुझे माफ कर दो लेंसी, मुझे माफ कर दो। Yes, ma'am. तुम इस टीम को क्यों ज्वाइन करना चाहती थी? क्या? दरअसल मुझे पूरी दुनिया घूमनी है। कौन सी जगह पसंद है? हाँ, मतलब ऐसी जगह जो पसंदीदा हो। Refreshments. ये लो। शुक्रिया। ये तुम्हारे लिए। मेरे पास ना। मुझे ये वाला तुम्हारे लिए। मुझे पाइनएप्पल वाला बहुत पसंद है। तुमने कहा था तुम्हें पाइनएप्पल चाहिए, मैं ले आई, ये लो। थैंक यू। तो सब ठीक है? चीयर्स। ठीक है, तो चलो एक साथ ज्वाइन करते हैं। लो लो, यो रोमांचक दुनिया। लिंसे के नाम, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं बैरियर रीफ में शार्क के साथ गोते लगाऊं। तुम जानती हो उसके लिए एक जगह है। तुमने ऐसा किया है? दो बार, लेकिन पता नहीं शार्क्स को मैं याद हुई या नहीं। वो तुम्हें नहीं भूलेंगे। शार्क के साथ? बकवास। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? वो पायलट सही कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो रुकना नहीं है। शायद कोई नाव आ जाए। मुझे नहीं लगता। क्यों नहीं? हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? तुम्हें हमारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड फालतू की टेंशन बढ़ाता है। तुम दोनों किसी काम के नहीं हो, सिर्फ परेशानी बढ़ाते हो। तुम्हें डर नहीं लग रहा? शायद सही कह रही हो। मैं तुम्हारी तरह समुद्र में काम नहीं करती हूँ। आर्मी? बकवास। भरोसा करो मेरा, मेरा इतना सारा तजुर्बा किसी काम का नहीं। कभी कभी हमारी जिंदगी ऐसे अलग मोड़ पे ले आती है। ईएफ क्लर्क, ये कौन है? और ये प्राइवेट फर्स्ट क्लास एमिट क्लर्क है। मैं अपने दूसरे टूर पर थी। हम लोग खंडार से 15 मील दूर थे और हम वहां 6 घंटे फंसे हुए थे। 11 बजे से हमारी हालत खराब हो गई थी। हम पहुंचने की हालत में नहीं थे। हम जख्मी थे और हमसे भी ज्यादा वहां लोग जख्मी थे। प्राइवेट क्लर्क का खून बंद ही नहीं हो रहा था। हम बहुत डरे हुए थे। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे कुछ दिया। मैंने देखा एक टैग था। मैंने उनसे पूछा ये किसे देना है। उन्होंने मुझे बोला कि जब तुम यहां से निकलो तो मुझे अपने साथ ले चलना। मुझे को समझ नहीं आ रहा था कि ये गोलियां बंद क्यों नहीं हो रही, लेकिन उस आदमी को पता था कि मुझे कुछ नहीं होगा और मैं जिंदा जाऊंगी। अगली सुबह ही 130 लोगों की टीम आई थी जिन्होंने सबको मार डाला था। हमारी मदद की थी उन सब लोगों ने, इसलिए मैं इसे हमेशा अपने साथ रखती हूँ। ये हमेशा मुझे याद दिलाता है कि चाहे कुछ भी हो रुकना नहीं है। कभी हार मत मानना। ये मुझे हिम्मत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए डटकर मुकाबला करो हमेशा। क्या बात है, काफी अच्छी बातें करती हो। तुम तो रहने ही दो।
हमें कोव में जाना चाहिए सामान लाने के लिए। नहीं लेंसी, वो बहुत दूर है। लेकिन ये नाव तो है ना, वहाँ तक जा सकते हैं। नहीं, आप मेरी बात ध्यान से सुनो, हमें नीचे जाना चाहिए और बीकन को चालू करना चाहिए, क्योंकि शार्क कभी भी यहाँ आ सकती है। ठीक है, बस एक घंटा, अगर बेकर ने काम नहीं किया तो हम वहाँ पर जाएंगे। अच्छा, तो हमें रेगुलेटर और ऑक्सीजन टैंक चाहिए। हाँ हाँ, मैंने कुछ को यहाँ पर तैरते हुए देखा था। इसको पी लो। हम इसे बचा कर रखें क्या? ये थोड़ा सा ही है। ध्यान से। हाँ, ध्यान से। ठीक है, माफ करना। मैं भी डर गई थी। क्या मैं ये ले सकती हूँ? तुम्हें उस शो में रहना चाहिए था। मैंने कोशिश की थी, पर उन्होंने कहा ये मुश्किल है। तुम बहुत अलग हो। सबके साथ होता है। हमें पटवार चाहिए होगा इसको छीलने के लिए। तुम ठीक हो? अब क्या करें? ये बस उनमें से एक है, यहाँ पर तीन थे। अरे नहीं, रुक जाओ। उसकी आंखों में मारना और मुंह पे भी, वहां पर ज्यादा असर होता है। जल्दी समझी तुम कौन? कहिया, इसने मुझे पकड़ लिया है। लाल भाई, कहिया अकेला में तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें मोटरसाइकिल चलाना सिखाया था? तुम बहुत ज्यादा डरी हुई थी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा था और मैं तुम्हारे पीछे बिना हेलमेट के बैठा हुआ था। और जब मोड़ लेने की बारी आई तो तुम डर गई थी, और तब मैंने कहा पीछे झुक जाओ और हैंडल की फिक्र बिल्कुल मत करो, पीछे हो जाओ, हमारी लड़ाई होने वाली थी, है ना? लेकिन तुमने कमाल दिखाया था। झुक गई थी। सही कहा, तुम झुक गई थी और सब कुछ ठीक हो गया था। वैसे ही आज भी होगा। क्या हो रहा है?
तो क्या? फिक्र मत करो, बीकन को चालू कर दो, बस जल्द से जल्द। नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा। क्या तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? नहीं, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, पहली बार ऐसा होता ही है, काफी खतरनाक काम है। तो जब हम नीचे जाएंगे तो मैं ऑक्सीजन बंद कर दूंगी, काया तुम्हारा साथ देगी सांस लेने के लिए जैसे सिखाया था। कम ऑन लेंस, ठीक होगा ये। अगर कुछ भी होगा तुम्हें तो तुम्हें सांस लेना आना चाहिए दूसरों से। हाँ जानती हूँ। ओके, तो फिर जंप करो। क्या तुम्हारी बहन बचपन से इतनी डरपोक है? अरे वो हमेशा से ही थी। तुम्हें याद है जब हम उस पार्क में थे और झूला झूलते वक्त तुम नीचे नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ बहुत सारी चींटियाँ थी? चींटियाँ? हर एक बार तो तुम मेरे साथ सेवियर में नहीं आ रही थी क्योंकि वहाँ बहुत गंदी बदबू थी। तब मैं 8 साल की थी। ओके, अच्छा ठीक है। वो वक्त याद है जब तुम गाड़ी नहीं चला रही थी क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी? क्योंकि तुम्हें डर था कि तुम्हारी गर्दन टूट जाएगी, लेकिन उसकी जगह तुमने अपनी दोनों कलाइयाँ तोड़ दी थी। ओके कम ऑन लेंस, मैं बस मजाक कर रही हूँ। हे क्या हुआ तुम्हें? हाँ बस मजाक ही करना। Hey, तुम्हें मुझ पर भरोसा है? हमेशा से। हाँ तो ठीक है, फिर ये मेरे लिए मत करना, पेज के लिए भी मत करो, उन हजारों दर्शकों के लिए भी मत करना, अपनी खुशी के लिए करो। अपने लिए? हाँ सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम कुछ भी कर सकती हो, ये कभी मत भूलना। चलो लिंडसी, तुम्हें करना होगा। Thank you.
तुमने डरा दिया लिंसी, तुमने सबको डरा दिया। नहीं छोड़ सकती। मैं लिंसी हूँ, लिंसी लुइस। मुझे मदद की जरूरत है क्योंकि मेरी बहन का जहाज यहाँ कहीं लाल पत्थर पे आके टकरा गया। मेरे सारे साथी जा चुके हैं, पता नहीं। अगर आपको ये मिले तो प्लीज मेरे परिवार को ये दे दीजिएगा और उनसे कहिएगा। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ये कर सकती हो, तुम्हें ये करना चाहिए। वो मेरे लिए था और ये भी है। तुम्हारी बहन लाजवाब है। ये प्यार ना लोगों को पागल बना देता है। चुप हो जा इवान। Thank you.
ठीक है, गिरफ्तार कर लो। वो बेवकूफ पायलट ठीक कह रहा था। नहीं पेज, क्या ये तुम ही हो? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता तुम जिंदा हो। हाँ मैं हूँ। आखिर तुम आई कहाँ से? गोवा की दूसरी दिशा से मुझे रोशनी दिखी थी। वो मैं थी। मैं पानी के झोंके से इधर आई हूँ। आ जाओ, जल्दी ऊपर आ जाओ। मैं तैर नहीं सकती, मेरे पैरों में चोट लगी है। क्या मतलब है तुम्हारा? शायद मेरा पैर टूट गया है। अरे नहीं, एक मिनट रुको, मेरे पास रस्सी है, मैं तुम्हें देती हूँ, पकड़ लेना। हाँ हाँ हाँ, तुम तैयार हो? हाँ। ये काफी छोटी है लेन। अच्छा, मैं फिर से कोशिश करती हूँ। ओके ठीक है, रुक जाओ। क्या तुम मेरी तरफ आ सकती हो? अपने हाथों का इस्तेमाल करो। कोशिश करती हूँ। ठीक है, मैं फिर से कोशिश कर रही हूँ। ओके। पकड़ो इसे। मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ लेन। ओके, फिर से कोशिश करते हैं, तुम्हें वहां से निकलना ही होगा। क्या तुम मुझे थोड़ा सा वक्त दे सकती हो? हमारे पास वक्त ही तो नहीं है पेज। जिंदगी में कम से कम एक बार तो मेरी बात सुन लो। सुनो, पानी में शार्क्स है। क्या शार्क यहाँ पे है? हाँ, समझ गई, तो इसलिए बोल रही हूँ, रस्सी को पकड़ लो। रस्सी फेंको। थोड़ा नजदीक है, पकड़ लिया। ओके
हाँ, अरे नहीं, क्या वो कहाँ गया? पता नहीं कहीं भी हो सकते हैं। ओह गॉड, ओह गॉड, और सब का है ठीक तो है ना? वो नहीं बच पाए। क्या कहा? तुम्हें पता है तुम क्या बोल रही हो? शख्स नहीं, एवान और काया साहब, ओके, ये क्या हो गया? मुझे माफ कर दो लेंस, कोई बात नहीं, तुम तो यहां हो ना। वेट, तुम कैसी हो? कैसी हो तुम? आ, तुम यहां तक कैसे आई? मेरे पास नाव थी लेकिन शार्क्स उसे खा गए। तुम जिंदा कैसे बच गई? अब क्या करेंगे? शायद मदद मिल जाएगी हमें। मैंने बात पहुंचाने की कोशिश तो की है। ठीक है, ठीक है। अरे, हमें तुम्हारे पैर का कुछ करना होगा। पता है, बहुत बुरा हाल हो गया है। ये लो, इसे पी लो। ठीक है, ये लो, ये लो। हमें बचा कर रखना होगा। सुनो, इसे सीधा करो। मैं सीधा नहीं कर पाऊंगी, प्लेन लेंसेज को ऐसे ही छोड़ दो। ठीक है, ये वक्त जिद करने का नहीं है, समझी? नहीं कर रही हूँ, प्लीज। मैं मदद करने की कोशिश कर रही हूँ। मुझे पता है, लेकिन एक टूटे हुए पैर को जोड़ना, वो भी बैंडेज लगा के, काफी बचकाना है। बचकाना है? बचकाना तो मुझे इस टीम का हिस्सा बनना लगा, समझी? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ। हाँ, होना चाहती थी पर मैं नहीं हूँ। मुझे ना स्कॉलरशिप जीतने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे बाहर चढ़ना भी नहीं आता, बल्कि मुझे कुछ भी नहीं आता। लेकिन फिर भी मैं यहाँ हूँ, तुम्हारे नक्शे कदम पर चल रही हूँ। मुझे लगा ऐसा करके शायद मैं कुछ साबित कर सकती हूँ, कुछ हासिल कर सकती हूँ। लेकिन मैं गलत थी, बेवकूफ थी। लेंस, ये शायद अब ठीक हो जाएगा। माफ कर दो, मुझे भी माफ कर दो। हमें इमरजेंसी कॉल आया था। क्या बात है? हेलो, हेलो, क्या तुम लोग ठीक से हो? हम ठीक हैं, लेकिन बहन का पैर टूट गया है। ठीक है, ध्यान रखो, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों को लेने के लिए। जहाँ पर हो वहीं पर रहना। क्या बात है? उसके बाद तुम्हारी बहन की भी मदद कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, लेकिन ध्यान से आइएगा, पानी में शार्क्स है। शार्क? उसकी फिक्र मत करो, चलो देखो, शार्क है वहाँ पर। लेकिन वो कर क्या रहे हैं? अच्छे से वहां देखो। वो लोग उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? यहाँ क्यों नहीं आ रहे? क्या हो रहा है? सुनो, हे, सुनो, हमारी मदद करो। तुम लोग क्या कर रहे हैं? वो लोग क्या कर रहे हैं? ये क्या हुआ? कौन है? बाहर निकालो तो अपना। नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? आराम से। नहीं, आप
जाएगा, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। हम सही सलामत रहेंगे। यार क्या हुआ पेज? प्यारे दोस्तों सुबह हो गई। काफी दिलचस्प है, तुम दोनों की एक साल की एनिवर्सरी शूट करते हैं। अरे नहीं, अब बस भी करो पेज। क्या बात है यार, तुमने ये बॉडी शॉडी कहाँ से बनाई? वैसे कहाँ पर जिम जाते हो तुम? बहुत तैयार हो जाओ, आज मुझे सुबह सुबह काफी अच्छा आइडिया आया है। जल्दी जल्दी लोग तुम लोगों से प्यार करते हैं, सब कुछ सच है। जिस तरह से तुम लोग मिले, इतनी चीजें तुम लोगों के बीच में सुनकर है। काफी बुरा लगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तुम लोगों की वजह से काफी मुनाफा है। क्या कहा? अच्छी बात है ना? हाँ, लेकिन और बेहतर हो सकता है। कैसे? तुम लोगों को अलग होना होगा। हाँ मैं जानती हूँ, यह काफी अच्छा ख्याल है। हम एक लड़ाई दिखाएंगे जो वायरल हो जाएगा। लिंस को इतने लोग फॉलो करते हैं, मगर कुछ हफ्ते बाद उसके दो गुना फॉलोअर्स हो जाएंगे। उससे अच्छे एड्स भी आएंगे और नई जगह जाने को भी मिलेगा। आइडिया तो घटिया लगता है। किसी को भरोसा नहीं होगा कि हम अलग क्यों हुए। सैम मानेगा कि उसने धोखा दिया। बस एक बार वो नशे में था और गलती हो गई। हम वीडियो बनाएंगे और उसे ही हमें लाखों में लोग फॉलो करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। सैम कभी भी ऐसा नहीं करेगा, सबको पता है। हाँ, इसलिए तो और अच्छा मौका होगा। ये ड्रामा हमें करीब करीब 3 साल तक फायदा देगा। मैं सैफ के साथ सोऊंगी, सिर्फ वीडियो के लिए। उसके लिए तो मैं भी सोना पसंद करूँगा। एक बार सोच के तो देखो प्लीज। ठीक है, हम सोचेंगे। हम नहीं करेंगे। सैफ मान जाओ, काफी अच्छा प्लान है, तुम एक बार सोच के तो देखो। हाँ पेज, यही बात है। सकती हो? नहीं नहीं, सब ठीक है, घबराओ नहीं, ठीक हो जाएगा। क्या लगता है पूरा दिन मंडराते रहेंगे? हाँ शायद। हमें उस नाव तक जाना चाहिए। हाँ मैं सोच रही थी। हमें बस उसके अंदर जाना है और काम हो जाएगा। हाँ, वो ठीक है, हम तैर के तो नहीं जा सकते हैं। हमें इन शार्क्स को मारना पड़ेगा। ठीक है ठीक है, अच्छा आइडिया है। तुम्हारे पास क्या है? देखते हैं। इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। हे hey, मुझे मिल गया। ये गैसलीन है और बंदूक है, हम इनसे आग लगा सकते हैं। लेंस वो शार्क है, अगर कुछ हुआ तो पानी में नीचे चली जाएगी। ठीक है। मेरे पास एक आइडिया है। कैसा आइडिया? बस उम्मीद करो कि काम हो जाए। मछलियों इधर आओ, आ जाओ, चलो आओ ना, जल्दी आओ, कम ऑन। हे पता नहीं
नहीं, ये काम करेगा भी या नहीं। आ, 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 काफी पास से गई। तुम ठीक हो? हाँ हूँ, तो मगर शायद ही दोबारा ना करूँ। हाँ, काफी बेकार आइडिया है। जाने दो अब, फिर से करते। तैयार हो? मेरा मतलब किससे है मैंने। चलो एक तो गई। अच्छा है, क्या फिर से ट्राई करें? हाँ चलो देखते हैं और कोई पत्थर है या नहीं। ठीक है, फिर से ऐसा नहीं करोगी। मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। कैसा महसूस हो रहा लेंस तुम्हें? अच्छा लग रहा है, आज मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। इतना भी मत उड़ो। तुम्हें पता है, मुझे नहीं पता कोई पत्थर बचा भी है या नहीं खींचने के लिए। क्या सच में? मुझे नहीं लगता ऐसे काम बनेगा। कैप्टन ने बोला था ना कि उसने गार्ड से बात की, शायद वो लोग ही आ जाए। नहीं, उन्होंने कहा था वो उन्हें बुलाने जा रहे, लेकिन ऐसा हुआ ही नहीं था। हो सकता है वो लोग तब आए जब उन्हें पता चले कि उनका एक आदमी गायब है। क्या हम उतना इंतजार कर पाएंगे? देखो, अगर एक और शार्क कम हो गई ना तो मैं वहाँ तक तैर के जा सकती हूँ। नहीं, तुम ऐसा नहीं करने वाली हो। अगर तुम गई तो तुम्हारा भी वही हाल होगा जो उन लोगों का हुआ था। क्या और कोई तरकीब है? तुम्हारे पास ऑक्सीजन टैंक है? नहीं। क्यों? मैंने एक बार एक आदमी को हवा में उड़ते हुए देखा था, दूसरे आदमी की जान जाने वाली थी। अच्छा आइडिया है, मगर निशाना भी तो ठीक से नहीं लग सकता है। हे देखो, उस आदमी के पास बंदूक थी, मैं लेकर आती हूँ। हमें वो चाहिए। नहीं नहीं, काफी खतरनाक होगा वहाँ पर जाना। नहीं, हमें वो चाहिए। लिंस, मैं तुम्हारी मदद के बिना जा सकती हूँ। क्या? नहीं नहीं लिंस, रुको रुको रुको, तो कम से कम एक मिनट तो दो मुझे, मैं कुछ करती हूँ। तुम मेरी मदद करो इन पत्थरों को निकालने में। ठीक है, चलो करते। अपना हाथ तो इतना दर्द नहीं हुआ। क्या हो गया? रेडी? एक, दो, तीन। देखो काम हो रहा है।
मैं क्या करूं? अब मैं क्या करूं? लेकिन जल्दी करो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन 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 रुको, लेकिन नहीं, जल्दी करो, तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। नहीं जल्दी करो, नहीं नहीं जल्दी, वो बड़ा हाथ दो। हमेशा बदतमीजी की है तुम्हारे साथ। शांत हो जाओ, हमें ध्यान लगाना होगा। तुम्हें याद है 7th क्लास में तुम अकेले गाना गाने वाली थी और मैंने मोहम्मद डैड को घर चलने के लिए कहा था। मैंने वो जानबूझ के किया था क्योंकि क्योंकि मैं इतना खुश नहीं देखना चाहती थी तुम्हें। अरे वैसे टाइम अगर तुम्हारा पैर ऊपर कर दे तो शायद खून रुक जाए। नहीं, मैंने पूरी जिंदगी तुमसे नफरत की क्योंकि तुम छोटी थी और सब तुमसे प्यार करते थे। पेज पास करो, माफ कर दो, शांत रहो। सह पर हक जताया। मैंने उसको अपने कमरे में बुलाया था जिस रात में तुम मिले थे। बकवास कर रही हूँ। मैंने उसको किस किया क्योंकि मैं उसको तुम्हारे आने से पहले चाहती थी, तुम्हें पता भी नहीं था। झूठ मत बोलो, ऐसा इसलिए कर रही हूँ ताकि मैं तुमसे नफरत करूँ? नहीं नहीं, मैं मेरी छोटी बहन को सब कुछ मिल जाता जिसे वो चाहती है। मैं हमेशा प्रूफ करना चाहती थी कि मैं तुमसे बेहतर हूँ। चुप करो, चुप करो, चुप करो। क्या तुम सबसे बड़ा सच सुनना चाहती हो? तैयार हो? उसने मना किया, उसने मुझे हटा दिया क्योंकि वो तुमसे प्यार करता था, वो तुमसे शादी करना चाहता था। ये उसका आइडिया था। नहीं नहीं, ये सच नहीं है। 60 फीट नीचे अंगूठी के साथ। नहीं नहीं, नहीं, नहीं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। बहुत गलत हुआ। अच्छे माफ कर दो। भेज भेज, नहीं नहीं, भेज भेज, नहीं भेज। Ha 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 ha
हाँ तो अब सब ठीक है। तुम काफी दिलचस्पी से ये सब करते हो। हाँ पागल ही, पर मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। चलो पानी में चलते हैं, तुम्हें वहां अच्छा लगेगा। तुम्हारे साथ अच्छा लगता है। हाँ लिंस, ध्यान देना उसका टैंक खाली ना हो। मुझे भी मदद करो इसमें। कैसे करूं मैं? ओके पेज, मुझे बताओ मैं इसका क्या करूं। लेंसी आखिर तुम क्या कर रही हो? तुम कुछ भी कर सकती हो, ये बिल्कुल मत भूलना। कभी भी हार मत मानना, हमेशा। ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ।
ठीक है, अब दिखाती हूँ। आ जाओ। हेलो दोस्तों, जानती हूँ काफी वक्त हो गया हमें आपस में बात करे, लगभग 6 महीने। आप लोगों ने सारी कहानी सुन ली होगी तो आप जानते ही होंगे मैं यहाँ आपको कहानी सुनाने नहीं आई हूँ। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये चैनल बनाया उन्हें आपकी फिक्र है, उन्हें सच में फिक्र है। वो एक से एक आइडिया सोचते थे और आपसे शेयर करते थे जो आप कहीं और नहीं दिख पाते। वो आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते थे, सब बहुत फिक्र करते थे। एवन, काया, सैम और मेरी बहन पेज, हमने उन्हें यहां खो दिया पर उनकी हिम्मत नहीं खोई। उनका काम हमेशा जरूरी था, हमेशा से ही, और मैं ये कभी खत्म नहीं होने दूंगी। दुनिया में बहुत कुछ है देखने के लिए, तो आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लाती रहूंगी। देखने के लिए शुक्रिया। मैं लिंसी लुइस और ये है रोमांचक दुनिया। कभी मत रुकना, कभी भी। तुम कुछ भी कर सकती हो।